Welcome back. My name is Galaxy Parmar, and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द चैनल. आप एकदम सही चैनल पे आए हो अगर आपको एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बारे में अगर कुछ भी पढ़ाई करना है या उसके रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी. ओके, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को डेडिकेट होगा. उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप स्टार्ट करोगे एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को, कैसे आपको एक चैप्टर को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, एक चैप्टर को कैसे स्टडी करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे. सबसे पहले तो आपको चैप्टर वाइज वेटेज जो है एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के वो पता होने चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपको एक चैप्टर वाइज वेटेज से ये पता चल जाता है कि कौन सा जो चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसको स्किप नहीं कर सकते. ये रियलिटी है, जिसका ज्यादा वेटेज होगा उसको हम स्किप नहीं कर सकते. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा एलजेब्रा है 6 चैप्टर है हमारे पास. उसमें अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक. ये 12 मार्क्स के वेटेज है इनके, मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी के चैप्टर्स नहीं करेंगे, बाकी के चैप्टर्स भी करने हैं, लेकिन 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 ये जो चैप्टर 1 है 2 है एंड 6 है इनको करना ही है, इनको कोई हालत में नहीं छोड़ना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो 36 मार्क्स बनते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं होता है 36 मार्क्स ला सको अगर आप ये 3 चैप्टर को करो तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विदाउट ऑप्शन में आते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें ना क्या होता है ना, हम लोग एंड में आते आते, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी का मंथ आता है ना, तो बहुत बच्चों के ना कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं. उसमें से एक स्टैटिस्टिक चैप्टर है, तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, मिस हम क्या स्टैटिस्टिक चैप्टर को स्किप कर ले. तो मैं उनको एडवाइस देती हूँ, नहीं, प्लीज मत स्किप करो. तो अगर आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो कर लेना, क्योंकि मैं अभी आगे बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, पूरे चैप्टर कर सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको किसी भी हालत में करने हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट उसको करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसका वेटेज देख लिया है. और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसको इतना भी भाव मत दो, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है और वो निकल जाता है. ठीक है, तो अगर आपने इसके प्रैक्टिस सेट के सम्स भी कर लिए, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग को आगे पता चलेगा कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर है ना ये थोड़ा लेंदी है, इसमें दो प्रॉब्लम सेट है, 4A एंड 4B. तो आप लोग इसको इतना भी भाव मत देना कि आपके बाकी के चैप्टर्स रह जाए. ठीक है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो वेरी गुड, लेकिन इसके प्रैक्टिस सेट के सम समझ लिए और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उतना काफी रहता है. ठीक है, 8 मार्क्स आप ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो. बाकी के चैप्टर तो फिर भी ठीक है. ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इजी चैप्टर है एंड प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट, सबसे इजी चैप्टर है ये. ओके, तो मेरा बस कहना यही है कि ये 3 चैप्टर को स्किप नहीं करना है, अच्छे से पूरा करना है, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स है. ओके, समझ में आ गया. टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 60 मार्क्स आएगा, बट आप बोलोगे मिस हमारा तो एलजेब्रा का पेपर 40 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पे देखो ये विद ऑप्शन के साथ बता रही हूँ, तो हमारा पूरा पेपर 60 मार्क्स का होता है, लेकिन हम लोग वो 60 मार्क्स में से सिर्फ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, तो हम 40 मार्क्स का पेपर क्या करते हैं, लिखते हैं. तो मतलब बेसिकली एलजेब्रा का पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होता है और हम 40 में से 40 लाएंगे. ओके, क्लियर है. चलो ज्योमेट्री के चैप्टर वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. ज्योमेट्री में 1 चैप्टर ज्यादा है, ज्योमेट्री को थोड़ा डिफिकल्ट भी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत थ्योरम वगैरह होते हैं. बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या इजी लगता है, एलजेब्रा इजी लगता है कि ज्योमेट्री इजी लगता है, लेट मी नो. ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत इजी लगता है, एलजेब्रा इज माई फेवरेट. आपका कौन फेवरेट है बता. अब यहाँ पे देखो, इसमें 1 चैप्टर ज्यादा है, 7 चैप्टर्स है. ओके, वेटेज अगर देखोगे तो वेटेज कुछ इस प्रकार से है कि जो टॉप 3 चैप्टर्स अगर मैं आपको बोलूँ तो ये है, सिमिलैरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 मार्क्स का सम सिमिलैरिटी से आता है, ये ऑब्जर्व किया है मैंने. उसके बाद सर्कल, पता नहीं सर्कल बहुत बच्चे स्किप करते हैं, बट मैं सच बोल रही हूँ, एक बात याद रखना, जैसे मैंने एलजेब्रा में आपको बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने आपको एडवाइस दिया कि प्लीज इसके प्रैक्टिस सेट के सम्स और इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, आपका ये चैप्टर निकल जाएगा, ये आपको बाद में पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ. वैसे ही सर्कल चैप्टर बहुत बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं हो पाता है, तो मैं इसका भी एक एडवाइस देती हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट करना चाहिए, पहले आप इसके कॉन्सेप्ट कर लो और प्लस इसके प्रैक्टिस सेट के सम अगर आपने कर लिए ना तो थोड़ा बहुत काफी है, और प्लस पीवाईक्यूज कर लो बस,
PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और इसका भी मैं यही एडवाइस दूंगी, पहले कॉन्सेप्ट आता है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस सेट के सम्स, एंड फिर प्लस PYQs कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेना, काफी है इतना, काफी है इतना, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और फिर आता है मेंचुरेशन, मेंचुरेशन जाते जाते बच्चों की हालत टाइट हो जाती है और बोलते हैं कि मिस मेंचुरेशन नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो ऐसा मत करो यार, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चार मार्क्स का सम इधर से भी आता है, तो इसका भी अगर आपसे नहीं, मतलब अभी तो आगे बहुत टाइम है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो मैं तो यही बोलूंगी प्लीज कर लो अच्छे से, बट फिर भी ये वाला तो करना ही है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट के सम्स कर लो एंड PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ पे मिलेंगे चैप्टर वाइज वो भी मैं देती हूँ, मैं भी देती हूँ, तो वो सब मैं बताऊंगी। तो ये आपको पता चल गया चैप्टर वाइज वेटेज से, हमको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर है टॉप थ्री चैप्टर्स, तो टॉप थ्री चैप्टर्स देख लिए आपने एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में, बट ये नहीं है कि बाकी के जो चैप्टर्स है वो हम नहीं करेंगे, वो करने पड़ेंगे, ओके करने हैं, बट ये टॉप थ्री को आपको स्किप नहीं करना है, डिफिकल्ट हो तो भी करना है, दैट्स इट, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब पेपर पैटर्न क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो अभी जैसे कि आप लोग ने इधर भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये 60 मार्क्स बने हैं, बट आपको पता है ये विद ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन 40 मार्क्स का पेपर होता है, कौन सा, ज्योमेट्री का। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना, देखो यहाँ पे जो हमारा एलजेब्रा है, एलजेब्रा होता है 40 मार्क्स का पेपर, प्लस ज्योमेट्री होता है हमारा 40 मार्क्स का पेपर, और प्लस आपका फेब्रवरी या जनवरी के मंथ में स्कूल के तरफ से प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे या ओरल एग्जाम्स, वो ओरल एग्जाम्स होंगे, तो वो हो गए आपके 20 मार्क्स के, ठीक है। तो यानी कि 40 मार्क्स का एलजेब्रा प्लस 40 मार्क्स का ज्योमेट्री प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए 20 मार्क्स के, जिसमें से स्कूल वाले 20 में से 20 दे देते हैं, या 20 में से 19-18 तो दे ही देते, बट आउट ऑफ मिलता है, मोस्टली सबको आउट ऑफ मिलता है, मतलब स्कूल वाले दे देते हैं, बट फिर भी आप अपने बुक्स वगैरह कंप्लीट रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया टोटल, जो हमारा पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स का, ओके, और 100 में से 100 पॉसिबल है, आप ला सकते हो, ओके। तो चलो अब ये हो गया हमारा, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आप देखोगे एक बार, आपको जैसे आपने चैप्टर वाइज वेटेज देख लिया, तो ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो पेपर पैटर्न ये होगा, सेम एलजेब्रा सेम ज्योमेट्री। तो आपको देखो क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1A, मैं आपको एक लाइव बोर्ड का पेपर भी दिखाने वाली हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यू होता है, 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए, एक एक मार्क्स का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व द फॉलोइंग, एक एक मार्क्स के सम हो गए, चार और चारों लिखने। क्वेश्चन नंबर 1A और B में आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, ऑप्शंस नहीं मिलता है, पूरे के पूरे लिखने पड़ते हैं, ऑप्शन मिलना आपको आगे से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी होगी, 3 एक्टिविटी होगी, 2 एक्टिविटी लिखनी होगी, 4 मार्क्स, 2 2 मार्क्स की एक्टिविटी होगी। क्वेश्चन नंबर 2B सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हो गए, 2 2 मार्क्स के, उसमें से 4 लिखने रहेंगे, तो 4 × 2 = 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट द एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी दी रहेगी, उसमें से एक लिखना है, 3 मार्क्स का एक्टिविटी होगा वो एक। क्वेश्चन नंबर 3B अच्छा है, उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको लिखने सिर्फ 2 ही रहते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स के। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यही है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जिसको बोलते हैं हॉट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे सबकी वाट लगती है, सच बोल रही हूँ, आउट ऑफ बच्चों का इसलिए नहीं आ पाता है, पता है तुम लोगों को, एक बात बताती हूँ, रियलिटी देती हूँ, इधर तक सब सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B तक सब सॉल्व कर लेंगे, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के भी कर लेंगे, बट एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होता है जिसमें हमको समझ में नहीं आता यार क्या करें, और उसके वजह से बच्चों का आउट ऑफ आना रह जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, इनको बोला जाता है हॉट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन हो गए, उसमें से 2 लिखने रहेंगे, कितने, 2, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 2 हो गए 8 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन हो गए, लिखना होगा सिर्फ एक, बट वो एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, ऐसे करके काउंट करना 40 मार्क्स का पेपर होगा एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। अब इनके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आपको थोड़े क्वेश्चन देखने रहते हैं, कहां से मिस क्वेश्चंस लाएंगे, मैं दूंगी आपको, जनवरी फरवरी के मंथ में मैं बहुत लाइव सेशन लेती हूँ यूट्यूब चैनल पे हॉट क्वेश्चन का, हम करेंगे, लेकिन पहला आपका ये नहीं होना चाहिए डायरेक्टली हॉट क्वेश्चन पे जंप मत मारो, पहला क्या करना है हमको वो मैं सब बताती हूँ, रुको आगे बताती हूँ, बट इसका ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ, चलो ये देखो यही है,
ये यहाँ पे कुछ, ये मैंने पूरा है ना यहाँ पे ना आपको क्या मिलने वाला है देखो, यहाँ पे 2019 से लगा के 2024 तक के पूरे जो पेपर्स है ना, क्वेश्चन पेपर्स, वो है यहाँ पे मिलेंगे। ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा सब बताती हूँ, सारे पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाले इस वीडियो में जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब मैं बताऊंगी। तो ये तुम लोग पेपर देख लो, क्वेश्चन नंबर 1A, ये एमसीक्यू होता है, 4 MCQ है। क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1B, 4 क्वेश्चन, चारों लिखने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्टिविटी बहुत अच्छे से लिखना है, एक्टिविटी हो गई 3 एक्टिविटी है, 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2B, 5 क्वेश्चन हो गए, इसमें से 4 लिखने रहेंगे हमको। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3A, 1 एक्टिविटी लिखना है, 2 एक्टिविटी दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3B, इसमें 4 क्वेश्चंस है बट आपको 2 लिखने रहेंगे। ये है ये क्वेश्चन नंबर 4, हॉट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखना टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, ये कहीं अलग से ही आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर करना है आपको, कैसे प्रिपेयर करेंगे बताती हूँ, तो ये आपको आई थिंक पता चल गया होगा। नाउ लेट अस कम टू, देखो ध्यान से सुनो, अब मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। आज डेट है 17 जून, ठीक है, हमको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस नवंबर तक। क्यों? ये 3 महीने क्या करेंगे, मैं लास्ट के 3 मंथ रिवीजन के लिए रखते हैं, रिवीजन, सैंपल पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ठीक है। तो अब देखो, टोटल हमारे एल्जेब्रा में 6 चैप्टर है, ज्योमेट्री में 7 चैप्टर है, मिला लो सम कर लो 13 चैप्टर हो गए। अभी तक आपका कितना चैप्टर हुआ होगा बताओ एल्जेब्रा ज्योमेट्री का, मान लो कुछ नहीं हुआ, मान लो 1 चैप्टर हुआ होगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा उसका 1 चैप्टर नहीं हुआ होगा। 1 चैप्टर में मैं समझती हूँ नहीं हुआ, चलो मान लो नहीं हुआ, छोड़ दो मिस नहीं हुआ हमारा, क्या करें अभी बोल। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आज है 17 जून, अब ये जून का जो हमारा महीना है, जितने भी बचे कुछ डेज है उसमें आप 1 चैप्टर कर लो, कोई भी चैप्टर कर लो, एल्जेब्रा का कर लो, ज्योमेट्री का कर लो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मान लो कि मैं -1 कर रही हूँ, क्योंकि वो आप 1 चैप्टर किसमें करने वाले हो, जून के मंथ में कर लोगे, बरोबर। तो बचे कितने चैप्टर, अभी बचे हमारे पास 12 चैप्टर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि वो 1 चैप्टर आप लोग करने वाले हो जून में और करोगे, इस वीडियो के बाद तो करना चालू करना है, बस हो गया। अब बचे हमारे पास क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम नवंबर तक का लेके चलेंगे। कितने महीने बचे हमारे पास, 5, और है हमारे पास 12 चैप्टर्स। अब आप इसको डिवाइड बाय 5 करो, देखो ऐसे करते हैं, 12 चैप्टर है, डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि 5 महीने बचे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, डिवाइड करना आता है, आता है यस, तो यहाँ पे आएगा 2.4, ठीक है 2.4। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना करेंगे, 3 चैप्टर्स करेंगे पर मंथ। अभी आप लोग को थोड़ा सा पंप अप होना पड़ेगा क्योंकि आपने वेस्ट कर लिया अपना समर वेकेशन, सॉरी बोलना पड़ेगा मुझे। अगर आप समर वेकेशन में 2-3 चैप्टर निपटा चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सिर्फ महीने में 2 चैप्टर करने रहेंगे। लेकिन जिसने अपना समर वेकेशन वेस्ट कर लिया है, सॉरी मैं क्या करूं, आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे महीने में। अगर आप लोग मंथली बेसिस पे अगर 3 चैप्टर्स करते हो तो आपका नवंबर के पहले ही हो जाएगा पोर्शन, एंड इनफैक्ट अगर कुछ बैकलॉग रह गया तो नवंबर तक तो पोर्शन कंप्लीट होगा ही होगा। तो आपका टारगेट है कि आपको हर महीने 3 चैप्टर्स करने हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 5-6 दिन में हो सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, छोटे छोटे चैप्टर्स है, ओके, तो वो हो सकते हैं। तो आप महीने में 3 चैप्टर्स कर सकते हो, वो आप डिसाइड करो कि भाई हम, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, मैं क्यों बना के दूं। हर बच्चों का थिंकिंग अलग होता है, तो आपको बस हर महीने में 3 चैप्टर कंप्लीट करने। मान लो कि अगर 3 चैप्टर नहीं हुए तो कम से कम 2.5 यानी कि 2.5 चैप्टर तो होगा, तो कम से कम क्या होगा ना, वो नवंबर तक कंप्लीट हो ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, ओके डन। अब आते हैं नेक्स्ट, ये 3 महीने, ये जो लास्ट के 3 मंथ बचते हैं उसमें क्या करना चाहिए देखो। लेकिन उससे पहले हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी मतलब कि जब हम एक चैप्टर लेंगे उस चैप्टर में हमको क्या करना चाहिए, एक चैप्टर को प्रॉपर कैसे स्टडी करते हैं, एक चैप्टर कब कंप्लीट माना जाएगा कि हाँ ये चैप्टर हो गया है अब, तो वो मैं बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको दूंगी ये लास्ट 3 मंथ की स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखो मान लेते हम पकड़ते हैं एक चैप्टर, आप अभी जून का जो महीना बचा है आप इसमें करना चाहते हो एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया भाई आज तो मैं स्टडी करना स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो अब क्या करें, सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है चैप्टर की, तो सुनो सबसे पहले करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें देखो, इसमें टोटल है हमारे पास
पांच प्रैक्टिस सेट, कितने प्रैक्टिस सेट है, पांच प्रैक्टिस सेट है। ओके, अब हमको करना है 1.1 से स्टार्ट। तो वो 1.1 प्रैक्टिस सेट क्या डायरेक्टली सॉल्व करें ना, आपको सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी कॉन्सेप्ट मिस कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट कहां से करेंगे, तो ये देखो, पता ही है इसी चैनल पे आए हो यार, खुद को ही प्रमोट कर रही हूँ। प्रमोट क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल सा फंडा बताती हूँ। एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। और यही नहीं, अगर मान लो आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, बेस्ट है वन शॉट वीडियोस मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट वीडियो देख लो, 45 मिनट्स, यानी कि 1 आवर में तो पूरा चैप्टर भी हो सकता है, बट वो नहीं है हमारा। आप लोग को क्या करना है, 1.1 का बेसिक करना है, बराबर। तो आप क्या करो, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, इसका बेसिक वाला वीडियो देख लेने का। प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखना है तो देखो, बट बेसिक वाला वीडियो सबका देखो, क्योंकि बेसिक अगर मजबूत हो जाएगा ना, प्रैक्टिस सेट तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिक वाला वीडियो मिस का देख लिया, देख लिया, ओके, कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इसका 1.1 का। फिर हम क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अब मान लो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है, एक दो सम्स देख लिए मिस के वीडियो के फटाफट 1.5x के स्पीड में, और बाकी के रेस्ट आप करो, ठीक है, डन। तो ये हो गया 1.1। लेकिन रुक जाओ, मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 हो जाएगा ना, इसके बाद आपको क्या करना है, 1.2 नहीं करना है आपको, है ना, प्रैक्टिस सेट 1.1 के रिलेटेड जो सम दिखते हैं ना, प्रॉब्लम सेट, बहुत बच्चे प्रॉब्लम सेट को स्किप करते हैं, एंड में करेंगे, और वो एंड में होता ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ नहीं होता एंड में वो। तो अब आपने 1.1 किया, अब क्या करो, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, राइट, 1.1 के रिलेटेड, और वो आपके बुक में ही है। आप क्या करो, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कि आप क्या करो, प्रॉब्लम सेट में जो सम्स होगे ना रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 1.1, रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 1.1 वो सॉल्व करो, तब जाके आपका एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। फिर ये स्टेप्स आपको रिपीट करना है फॉर 1.2। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, प्लस ट्राई करो कि प्रैक्टिस सेट खुद ही सॉल्व करो 1.2 का, उसके रिलेटेड जो सम दिख रहे हैं प्रॉब्लम सेट में वो कर लो। तो क्या होता है ना, साइमल्टेनियसली हमारा प्रॉब्लम सेट भी हो रहा है, सेम 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे करके आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मान लो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मिस हम क्या करें, अब मैं आपको बताती हूँ रिवीजन के लिए। मान लो आप कभी बैठे हो ऐसे ही संडे को, आपको रिवाइज करना है इस चैप्टर, तो क्या फिर से पूरा सब कुछ करें ना। मैंने आप लोग को एक चीज दिया है, अब मैं ये रिवीजन की बात कर रही हूँ। मान लो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर वन कंप्लीटेड, ऐसे चैप्टर वन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत करना, कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। चैप्टर वन कंप्लीट हो गया मिस, अब क्या करें, रिवाइज करना है हमको, ये क्या हो गया भाई, ठीक है, अभी क्या करना है हमको, रिवाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आप लोग को चैप्टर वाइज PYQs दिए हुए हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, या किया होगा तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने जरूर किया है। चैप्टर वाइज PYQs मिस क्या होता है, सब बताती हूँ, ये देख लिया ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, देख लो सब कुछ, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक बात, वन शॉट वीडियो तो वन शॉट देख लो भाई, हॉर्स क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब आओ मैं बताती हूँ आपको, आप बोल रहे हो मिस चैप्टर वाइज PYQs क्या होता है ये, तो ये देखो भाई, ये देखो, ये ज्योमेट्री का है, बट ठीक है चलेगा। इधर देखो, यहाँ पे क्या किया है, चैप्टर नंबर वन सिमिलैरिटी के 2019 से लगा के 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर के, वो मैंने अरेंज किए हैं, वो भी आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर वन MCQs, चैप्टर नंबर वन से क्या क्या आता है, ये सब आता है MCQs में ये। तो ये आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो रिवाइज हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, और प्लस PYQs भी हो जाएंगे। वाह, मतलब कि एक तीर में दो निशाना टाइप कुछ है ना। ये देखो, ऐसा एलजेब्रा का भी बनाया है, कहाँ पे मिलेगा मिस, ये बताती हूँ, ये देख लो। और इसमें है ना, मुझे 2024 का अपडेट करना है, तो मैं इसको अपडेट करके आपको देती हूँ, लेकिन अगर ये चाहिए तो भी मैं उधर रख देती हूँ। मैं अपडेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जुलाई के मंथ में अभी रिपीटर्स के एग्जाम हो गए है ना, री एग्जाम, रिपीटर्स के एग्जाम होते हैं फिर से, तो मैं सोच रही थी वो पेपर भी मुझे मिल जाए और मार्च का पेपर, दोनों को इसमें डाल दूंगी। और मैंने इसमें रिपीटर्स मतलब जुलाई में भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपको नहीं पता हो तो, वो भी क्वेश्चन है,
मतलब बहुत मेहनत से बनाया मैंने इसको, ऐसा हर चैप्टर का चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज मिलेगा, ठीक है? तो ये आपको करना है। तो आपका जब आप एक बार पी वाई क्यूज कर लोगे चैप्टर वाइज वाले भी, तब आपका माना जाएगा वाव आपने एक चैप्टर को हासिल कर लिया है। पी वाई क्यूज आप बाद में भी रख सकते हो कभी बीच बीच में टाइम मिलेगा तो, बट एक बार पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लो प्रॉब्लम। और इसमें बोनस क्या होगा पता है, कि अगर आप सॉल्व एग्जांपल भी कर रहे हो तो बोनस ही बोनस है यार, क्या ही बोलूं, फिर तो मतलब आप लोग आउट ऑफ वाली हो यार। तो प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, प्लस अगर आप लोग थोड़ा सॉल्व एग्जांपल भी देख लो उस प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड, तो और भी अच्छा हो जाएगा। सॉल्व एग्जांपल्स के सम, ठीक है? तो ऐसे आपका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। ओके, देन यू हैव टू मूव टू चैप्टर नंबर 2। ओके, डन, क्लियर हुआ ना? ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं लास्ट 3 मंथ की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो क्या रहेगी मिस। जैसे कि अभी नवंबर तक आप पोर्शन कंप्लीट करने वाले हो, आपने ठान लिया है। आई नो ये बहुत दिसंबर जनवरी तक फरवरी तक जाएगा बहुत लोगों का, बट प्लीज आप लोग ट्राई करना। तो दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको ये 3 मंथ में क्या करना चाहिए, ये 3 मंथ में कुछ नहीं जो मैं बोल रही हूँ वो करना है, दैट इज रिविजन, 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 रिविजन करना पड़ेगा, बहुत रिविजन करना पड़ेगा, प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मान लो कि ये वाला जो स्टेप है वो आपका अभी नहीं हुआ है, ये वाला, तो ये आप लास्ट 3 मंथ में भी कर सकते हो। अब भी कर लिया तो और अच्छी बात है, ठीक है? साथ साथ में कर रहे हो तो ठीक है, नहीं किया तो इट्स ओके, क्योंकि हमने 3 मंथ उसके लिए रखे थे। तो रिविजन करना है। रिविजन कैसे किया जाता है मिस, आप लोग उसके लिए रिविजन के लिए बेस्ट बताओ, वन शॉट वीडियो देखने का कोई भी टीचर का आप देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उनका देखो। मैंने वन शॉट वीडियो हर चैप्टर के बनाए हैं, दो दो मतलब विद इन वन आवर आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। तो एक फटाक से पूरा आपका पूरा चैप्टर आपका मतलब आपके सामने आ जाएगा, वो और क्या चाहिए, उसी को रिविजन बोलते हैं। और फिर क्या करेंगे मिस, वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें क्या हो गया वो और वो भी मैं चैप्टर वाइज वाले मैं बोल रही हूँ, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आपके दिमाग में वो घूमेगा, चैप्टर वाइज करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? चैप्टर वाइज मैंने बना के दे दिया आपको, वो करो। और उसके बाद में बताओ तो आपको क्या करना चाहिए, सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए, याद करना चाहिए, सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करना चाहिए। उस सैंपल पेपर में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। और अब आप बोलोगे मिस ये कहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स है ना सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में नवनीत वाले आई थिंक वो लॉन्च करते हैं सैंपल पेपर का बुक, नवनीत बेस्ट है, नवनीत के सैंपल पेपर्स आपको करने चाहिए। मैं खुद भी लाइव कराती हूँ यूट्यूब पे, आगे मैं बता देती हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में हम बहुत यूट्यूब पे लाइव सेशन लेते हैं, तो सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ, ये लास्ट 3 मंथ की स्ट्रैटेजी होगी। रिविजन कैसे करेंगे मिस, वन शॉट वीडियो देख लो कोई भी मिस का, कोई भी सर का, आपकी मर्जी। उसके बाद जैसे ही वन शॉट देख लिया तो एक पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाता है कैसा क्या था। उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तो बस हो गया रिविजन। उसके बाद लास्ट में जैसे कि ये जैन फेब या फेब के महीने में आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करो, ये सबसे लास्ट में होता है जैन फेब में, दिसंबर इज फॉर रिविजन ऐसा बोला जाता है। एंड ये सैंपल पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सॉल्व करो, ये एडवाइस तो मैं सबके लिए दूंगी, ठीक है? क्लियर हो गया, डन। तो फिर और जो हॉट क्वेश्चन है उसका क्या करेंगे मिस, हॉट क्वेश्चन के लिए बच्चा हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपना ट्राई कर सकते हैं। हॉट क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में है वो सॉल्व करेंगे, फिर जो अलग अलग सैंपल पेपर्स हो गए ना उनके हॉट क्वेश्चन हम लेके मतलब अलग अलग कहीं से भी हम क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे हॉट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आता है और कोई टीचर नहीं बता सकता कि कहाँ से आता है क्वेश्चन, सीरियसली बोल रही हूँ ये मैं, ठीक है? तो मैं कोई बोलने नहीं वाली हूँ कि मैं बताऊंगी कहाँ से आएगा हॉट क्वेश्चन, नहीं बाबा नहीं बता सकते। बट एक बात बता देती हूँ आपको कि प्लीज आप लोग प्रॉब्लम सेट स्किप मत करो, हाँ मत करना। मानती हूँ मैं कि कुछ चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट स्किप होने वाले हैं, जैसे सर्कल हो गया उसके थोड़े सम स्किप हो गए, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया उसके भी थोड़े स्किप हो सकते हैं, बट इट्स ओके वो चलेगा। बट ऐसा नहीं कि आप सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट स्किप कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम सॉरी, ठीक है? प्लीज ध्यान देना इसका। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अभी हाँ तो मैं आपको क्या बोल रही थी, ओके अभी देखो यहाँ पे कुछ मैं बेचने नहीं आई हूँ, मैं आपको सीरियसली एक स्ट्रैटेजी देने आई हूँ। बट मैं अभी हाँ ये नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे वो बता रही हूँ। ये देखो ये मैंने एलजेब्रा के हैंड रिटन नोट्स दिए, अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं बता रही हूँ कहाँ पे मिलेंगे। इससे क्या होता है ना एक रिविजन हो जाता है हमारा, मतलब सम्स नहीं है इसमें ऑब्वियसली, बट एक आप देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो कि एक रिवाइज हो जाता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या है,
ओके यहाँ पे ये सब बहुत अच्छा है, प्यारा नोट है, मेरा हैंडराइटिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, तो यहाँ पे आप क्या करोगे वगैरह वगैरह, मतलब बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, इसमें सब रिवाइज हो जाता है। जो चैप्टर में फॉर्मुलाज है ना उसके लिए ये बेस्ट है। देखो फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे, मोड का फॉर्मूला, स्टेप्स क्या हो गए मीडियन को कैलकुलेट करने के, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का नोट्स है, सब पूरा एक ही पीडीएफ में। अलजेब्रा का नोट्स भी मिल जाएगा, एक ही पीडीएफ में आपको ज्योमेट्री का नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखो ज्योमेट्री का बहुत यूजफुल रहेगा रिविजन के लिए, फॉर्मूला रिवाइज के लिए बहुत काम आएगा ये, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये चैप्टर वाइज नहीं है, 2019 से लगा के 2024 के पूरे पेपर्स है रिपीटर्स के साथ, बट चैप्टर वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज ये है। ये सब कहाँ पे मिलेगा बताती हूँ, रुको। हाँ तो ये देखो, अगर आपका एंड्रॉयड फोन है तो आपको गैलेक्सी ऑफ मैक्स ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले से, और अगर आपका आईफोन है तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन से, ठीक है, ऐप स्टोर से। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और जो आईफोन वाले हैं आपको पता होगा, आपको एक ORG कोड पूछेंगे, वो ORG कोड जो है वो आपको टाइप करना पड़ेगा, ORG कोड ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी तो आप लोग इंस्टॉल करके फटाफट साइन अप और लॉग इन कर लेना अपना नंबर डाल के। उसके बाद देखो ये वाला, यहाँ पे देखो ये हमारा डैशबोर्ड है यानी कि होम पेज है, इस पे ना यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करो, या यहाँ पे देखो फ्री स्टडी मटेरियल है, इधर भी आ सकता है, ये फोल्डर में भी क्लिक कर सकते हो, बट इधर क्लिक किया तो भी चलेगा, इधर क्लिक किया तो ये आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा। फ्री स्टडी मटेरियल दिखा, उसमें देखो 12th कॉमर्स और एक 10th का फोल्डर बनाया है, ऑब्वियसली आपको जो भी देखना है वो 10th के फोल्डर में क्लिक करो, तो 10th के फोल्डर में क्लिक किया। और एक बार देखो इधर, देखो डॉक्यूमेंट्स वीडियोस एंड टेस्ट, तो डॉक्यूमेंट्स पे आप जैसे भी क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, डॉक्यूमेंट्स के अंडर में आपको ये मिलेगा, इसमें क्या है PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मैं बोल रही हूँ वो इसमें मिलेंगे, और जो हैंड रिटन नोट्स जो है अलजेब्रा ज्योमेट्री के वो इसमें मिलेंगे, डाउनलोड कर लेना, फ्री है, डाउनलोड कर लेना। अभी और एक चीज मैंने इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे, वो है यहाँ पे टेस्ट का। तो जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर MCQ टेस्ट देना है तो वो यहाँ पे आप उसको दे सकते हो अनलिमिटेड टाइम। बट यहाँ पे देखना ये जो टेस्ट सीरीज है वो इट इज द पार्ट ऑफ पेड कोर्स दैट इज यूनिवर्स बैच, तो ये सिर्फ एक ही टेस्ट आपको मिलेगा, वरना में टेस्ट सीरीज का एक अलग आपको अलग कुछ छोटा अमाउंट ही पे करना रहेगा, और आप पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज में क्या कर सकते हो फिर उसको आप मतलब यूज कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल एक ही टेस्ट मैंने फ्री रखा हुआ है, तो अगर आपको देखना है, देखो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ये देख लो आप, तो यहाँ पे MCQs मिलेंगे और उस MCQs को आप सॉल्व करके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स बनाओ और मैं आपको दू, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स बना के दू, बस आप ये ऐप इंस्टॉल करके रखो, कुछ भी अगर मैं अपलोड करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में ये डाल दिया है, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो कर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सब कुछ बताना था, आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 यूजफुल लगा होगा, सच बोल रही हूँ। मैंने एकदम जो शिद्दत से मैं 4 साल से यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही हूँ और जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की है, जो जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो मैंने पूरा इसमें कवर किया है, और आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर लगा होगा तो बस एक बार लाइक कर लेना और शेयर कर दो अगर अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड सारे चैप्टर्स के वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, ओके, चल बाय बाय एंड टेक केयर।